तो 50 स्टेप चल लिए मैंने, 50 स्टेप चलने के बाद 50 स्टेप्स ही दिखा रहा है इसमें, और इसमें दिखा रहा है, इसमें फिट दिखा रहा है। तो गाइज डेफिनेटली एक्यूरेसी के मामले में यहाँ पे दोनों ही वॉचेस ठीक काम कर रही हैं। सो गाइज आज हमारे पास दो वॉचेस हैं, दोनों ही फास्ट ट्रैक की वॉचेस हैं। एक आपको मिलती है अराउंड 2000 से 2500 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में, आप चेक कर लेना, प्राइस कम ज्यादा होता रहता है। फास्ट ट्रैक की रिवोल्ट FS1 प्रो, और एक तरफ है फास्ट ट्रैक की लिमिटलेस X2 अभी आई हाल फिलहाल में, कल ही मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग किया इसका। वॉच अच्छी है डेफिनेटली यहाँ पे, बट AMOLED डिस्प्ले नहीं है, TFT LCD पैनल है। इसको नाम दिया गया अल्ट्रा UV डिस्प्ले टाइप का, इन्होंने नाम दिया है। बट इसमें काफी यूनिक चीज है जो है कि रोटेटिंग क्राउन, जो कि आपको FR1 प्रो में भी नहीं देखने को मिलता है, FS1 प्रो में बेसिकली नहीं देखने को मिलता है। FR1 जो है, FR1 सीरीज जो है ना फास्ट ट्रैक की, वो आपकी राउंड डायल सीरीज है, क्योंकि F फास्ट ट्रैक, R राउंड डायल है ना, और S FS सीरीज जो है, F मतलब फास्ट ट्रैक, S मतलब स्क्वायर डायल। तो यहाँ पे लिमिटलेस X2 का भी रिव्यू पड़ा हुआ है, जाके चेक कर सकते हो। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलती। तो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम कमाल की डील ऑफर करते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी। देखो बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही नॉर्मल मिलती है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आपकी प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक बॉडी है। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है काफ़ी, FS1 प्रो में राउंड कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है, बेसिकली कर्व्ड आपको बॉडी मिल जाती है। बट इसमें आपको कर्व्ड बॉडी नहीं मिलेगी, फ्लैट बॉडी मिलेगी। ये है डिस्प्ले साइज दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1.95 इंचेस का डिस्प्ले, 1.91 इंचेस का डिस्प्ले मिलती है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। बट डिस्प्ले क्वालिटी में ये काफ़ी अच्छी है आपकी FS1 प्रो है ना, और सिमेट्रिकल टाइप की बेजल मिलती है इसमें आपको। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, अगर यहाँ पे मैं टॉर्च लाइट ऑन करता हूँ आपकी, तो यहाँ पे देखो इसमें सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले है, इसमें आपकी सिमेट्रिकल नहीं, नीचे की साइड से आपको चिन थोड़ी सी बड़ी मिलती है, तो ये इस चीज़ में जीत जाती है। और डिस्प्ले क्वालिटी ऑब्वियसली बात है, ये AMOLED वाली डिस्प्ले इसमें ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे देख सकते हो रेनबो कलर दिखा रहा है, बट ये है साइड टिल्टिंग पे शो करता है इस तरीके से, है ना, इसमें तो सही है देखो चारों तरफ से। तो हो सकता है इसमें डिस्प्ले प्रॉब्लम हो, नो ऐसे डिस्प्ले प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कैमरे के सामने शो कर रहा है इस तरीके से। स्ट्रैप की क्वालिटी में कहूँगा दोनों की काफ़ी अच्छी है स्ट्रैप की क्वालिटी, और इसमें मैं इसको निकाल देता हूँ। तो स्ट्रैप की क्वालिटी दोनों की ठीक है। यहाँ पे पीछे के साइड डेडिकेटेड रेड एंड ग्रीन एक्सन के सेंसर मिल जाते हैं, 22 mm स्ट्रैप साइज है। आफ्टर मार्केट का चाहो तो आप इसमें लगा सकते हो, तो ये भी काफी अच्छी बात है। दोनों ही वॉच आपके लास्ट मीडियम इसके ठीक है, बट ये वॉच आपके फिनिश पे चल सकती है, ज्यादा ही नहीं होनी चाहिए वाली वॉच के लिए फिनिश आपके साइज। ये वॉच लास्ट मीडियम इसके ठीक सिर्फ बनी हुई है, फिनिश पे तो बिल्कुल नहीं चलने वाली, चीज ध्यान में रखिएगा आप सब, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू को चेक कर लेते हैं। ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू सेम ही मिल जाता है, एकदम डिट्टो कॉपी है, मतलब एक दूसरे की कॉपी लगती है पूरी की पूरी। यहाँ पे ये बैटरी सेवर मोड ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे सिंगल चिप कनेक्टिविटी, ऑडियो ऑन ऑफ कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। सेटिंग में चलते हैं यहाँ पे मेन्यू स्टाइल, यहाँ पे वॉच फेस का ऑप्शन देखने मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको वॉच फेस का ऑप्शन देखने मिलता है। चार वॉच फेस मिलते हैं इसमें आपको, इसमें कम मिलते हैं बेसिकली, मतलब इसमें भी सेम ही मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये लैग कर रही है, वैसे ये लैग नहीं करती। अब वापस से हम सेटिंग पे चलते हैं। स्क्रीन टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 15-30 सेकंड का मैक्सिमम मिल जाता है दोनों में ही। ये थोड़ी सी वाइब्रेंट लग रही हो आपको डेफिनेटली। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू स्टाइल पे आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको दो ही मेन्यू मिलते हैं, ग्रिड एंड लिस्ट स्टाइल। और यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाता है, ग्रिड मिल जाता है, वाटरफॉल, ग्रिड 2.2। तो इसमें काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, थोड़ी चीज़ें तो चेंज की गई हैं। वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप दोनों की काफ़ी अच्छी है, इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। उसके बाद साउंड इफेक्ट का ऑप्शन निकल जाता है, इसमें भी आपको साउंड इफेक्ट का आई थिंक ऑप्शन। ये देखो कुछ ज़्यादा ही इसका जो टच है वो रिस्पांस अजीब है, मतलब लैग वैग करता है, और कुछ ज़्यादा आगे जा रहा है तो मैं उसको प्रॉपर वो नहीं कर सकता हूँ, इसमें ये इशू है। यहाँ पे साउंड सेटिंग में सेम आपको ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे फोन सेटिंग का ऑप्शन देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पे QR कोड है, पावर ऑफ है, और इसमें पासकोड का ऑप्शन भी देखने मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको पासकोड नहीं मिलता, इसमें आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस डेफिनेटली ये तो डेफिनेटली बेटर है इस वॉच में, इसमें नहीं है। होम पे आते हो, इसमें लाइव वॉच फेस देखने को मिल जाता है। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट देखने को मिलते हैं इसमें, इस तरीके से आप जा सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मेन्यू बना आता है। अब यहाँ पे स्मूथनेस किस मेन्यू में है आप खुद पता लगा लो, मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ आपको, आपको पता चल गया होगा किसका स्मूथ है किसका नहीं। वैसे दोनों का ही डिसेंट है, 60Hz का UI नहीं मिलता दोनों में से किसी में भी, आपको क्लियर कर दूँ। माई फिटनेस में एक्टिविटी आपकी शो करता है। मल्टी स्पोर्ट्स मोड में आपको वॉकिंग वाला ऑप्शन देखने में जाता है। एक बार हम वॉक करके देख लेते हैं, 50 स्टेप चल के देख लेते हैं, एक्यूरेसी दोनों में से बेटर किस में मिलती है ना। तो 50 स्टेप चल लिए मैंने, 50 स्टेप चलने के बाद 50 स्टेप्स ही दिखा रहा है इसमें, और इसमें दिखा रहा है, इसमें फिट दिखा रहा है। तो गाइस डेफिनेटली
एक्यूरेसी के मामले में यहाँ पे दोनों ही वॉचेस ठीक काम कर रही हैं, स्पीडोमीटर की खासकर एक्यूरेसी। उसके बाद मल्टी स्पोर्ट्स मोड है, स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, फोन का ऑप्शन देखने मिलता है, तो कॉलिंग वाला एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पेयर करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे कॉलिंग लगती है। फिलहाल मैंने इसको पेयर किया है, दोनों एक साथ पेयर नहीं हो पाती एक फोन से, तो ये है थोड़ा सा। अब यहाँ पे कॉल मिला के दिखाता हूँ एक बार आपको, इसमें दिखाता हूँ एक बार, फिर मैं उसमें दिखा दूंगा आपको। ये देखो डायल पैड आ चुका है। अब इसमें ये भी कनेक्टेड है बट इसमें आएगा नहीं, लाउडनेस अच्छी है और वॉल्यूम अप डाउन इससे भी कर सकते हो आप। ये भी सेम फोन के साथ कनेक्टेड है बट यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि ये काफी अच्छा है। फास्टट्रैक की वॉच में प्रॉपर पेयर होनी चाहिए वॉच। ये देखो कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन भी है, कट कर सकते हो यहाँ पे। अब इसको अगर पेयर करना है तो मेरे को इसमें से पहले रिमूव करना पड़ेगा ये वाला, और यहाँ पे मैं इसको पेयर कर लूंगा और यहाँ पे पेयर हो जाएगी। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस, एक टाइम पे एक ही वॉच पेयर होती है, तो ये काफी सिक्योरिटी के लिए बेटर है। अब यहाँ पे मैं कॉल मिला के दिखाता हूँ आपको। देखो आ गया, तो ये है, इसमें काफी अच्छा है। अदर वॉचेस में क्या होता है, अदर ब्रांड्स की आप कोई भी वॉच ले लो तो उसमें मिनिमम आपका दोनों ही वॉचेस पेयर आती है, तीन वॉच पेयर आती है एक सिंगल फोन से। इसमें लाउडनेस मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा लाउड है इससे, खासकर स्टेड में जीत जाती है लाउडनेस में। कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन सेम मिल जाता है आपको देखने के लिए। अब गाइस आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखने को मिलता है यहाँ पे हेल्थ का ऑप्शन देखने को मिलता है। हेल्थ में आपको बहुत सी चीज मिल जाती है। इसमें वन टैप मेजरिंग का ऑप्शन दिया गया जो कि आपको इसमें नहीं मिलता, मतलब इसमें आपको वन टाइम मेजरिंग ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हार्ट रेट और ये सब चीज़ अलग से आपको मेजर करनी पड़ेगी। वैसे डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में देखने मिल जाते हैं, और तो सरफेस यहाँ पे दोनों में से कोई सी वॉच नहीं बताती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो, तो ये भी है कहीं ना कहीं। आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको दोनों में से कौन सी पसंद है, एंड इवन आपके पास इन दोनों में से कौन सी वॉच है। अगर आपने अभी हाल फिलहाल में लिमिटलेस बाइक है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना ये वाली बाइक है, ये वाली। तो इस तरीके से आपको देखने मिल जाता है दोनों ही, ओवर द सर्विस नहीं बता रहे। उसके बाद एआई वॉइस असिस्टेंट है, गेम देखने को मिल जाते हैं। गेम आपको यहाँ पे दोनों में ही सिमिलर मिलते हैं, चार के चार गेम देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलता है म्यूजिक, उसके बाद कैमरा कंट्रोल है, अलार्म आप सेट कर सकते हो दोनों में ही, स्टॉप वॉच मिल जाता है, उसके बाद टाइमर है, फाइंड माय फोन मिल जाता है, फ्लैश लाइट है, नोटिफिकेशन है, कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है, ये प्लस पॉइंट है इसमें, लेमन टेस्ट वाली वॉच में, और इवन FS1 Pro में नहीं देखने को मिलता है। तो ये फ्लॉ लगा मेरे को FS1 Pro में भी होता, कैलकुलेटर का ऑप्शन तो काफी बेटर था। ये OTA अपडेट थ्रू कंपनी ला सकती है, पता नहीं कब तक लाएगी वो मेरे को आइडिया नहीं है, बट फिलहाल गाइस दोनों में ही सिमिलर गेम मिलते हैं, ये काफी अच्छी बात है। अब गाइस मैं फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ और हाथ पे पहन के आपको एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखो एक्यूरेसी के मामले में दोनों ही सिमिलर है, यहाँ पे कुछ ऐसा सच मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, बड़ी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है। और इसकी बात मैं करूँ तो ये वॉच थोड़ी सी बड़ी है, ये वॉच सिर्फ लास्ट और मीडियम स्टेयर बनी है, थिनेस्ट पे नहीं अच्छी लगेगी, ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोनों ही डिसेंट डील है, एंड ये आपको अगर 2000 रुपये मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी क्लियर डील मिल जाती है, बट ये आपको अगर 1200 तक के प्राइस ब्रैकेट मिल जाती है काफ़ी अच्छी डील है। किसी को 1200 में बाय करना तो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे 1500 रुपये की हो चुकी है, प्राइस बढ़ चुका है इसका, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।